तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं इस प्रजाति की पहचान के बारे में। इस प्रजाति का पौधा सीधा होता है, बड़ा होता है आकार में, तथा इसकी पत्तियां हल्के हरे रंग की होती हैं और अन्य प्रजातियों के मुकाबले थोड़ी चिकनी। यदि हम इसकी फलियों को देखें तो इसमें इंटरमीडिएट बेयरिंग इसको हम कहते हैं, अर्थात इसमें फलियां पौधे के मध्य में सभी आती हैं, सबसे नीचे नहीं आती हैं, नहीं वो टॉप पर आती हैं, और वो मध्यम जिसको बोल सकते हैं बियरिंग की होती है। आइए अब हम बात करते हैं इसकी फलियों की पहचान के बारे में। तो आप देखेंगे कि इसकी फलियां सीधी होती हैं तथा तो एपेक्स से या टॉप से हल्की सी मुड़ी होती हैं और नुकीली होती हैं। पकने पर ये भी, इसको हम कहते हैं गहरा भूरा रंग अथवा टैन कलर, तो ये पकने पर टैन कलर की हो जाती है। जहाँ तक इसके बीजों का अथवा दानों का प्रश्न है, तो आप देखिए कि किस प्रकार से इसके दाने बहुत ही आकर्षक हैं, हरे रंग के हैं, चमकीले हैं और मध्यम आकार के हैं। और इस प्रकार का जो दाना होता है, इसकी न केवल भारतीय बाज़ार में अपितु इसके अलावा जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जिसमें कि नमकीन तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं, उस प्रकार के बाज़ार में भी अत्यंत मांग है। साथियों, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यह प्रजाति लगभग सभी प्रमुख बीमारियों तथा कीटों से इलाज, कई रोग है अथवा येलो मोज़ेक डिजीज़ है, वह बिल्कुल नहीं आता है। साथ ही जो अन्य बीमारियाँ हैं वह भी इस फसल में नहीं आते हैं, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह फसल बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। जहाँ तक इसकी उपज की बात है, तो इसकी जो औसत उपज है वह लगभग 1.6 टन अथवा 16 क्विंटल एक हेक्टेयर में है, और अधिकतम उपज 22 क्विंटल एक हेक्टेयर में भी प्राप्त की जा रही है।